कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू 144 CRPC व महामारी अधिनियम के तहत उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा 8 किस्म की दुकान चलाने हेतु ई पास जारी किया गया है, लेकिन कुछ लोग कूट रचित माध्यम से फर्जी ई पास बनाकर गोरख धंधा कर रहे हैं। SDM सदर के निर्देश पर गोरखनाथ पुलिस ने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान फर्जी पास एडिटिंग कर बनाने वाले तथा फर्जी पास लेकर दुकान चलाने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ में अन्य 2 लोगों के नाम प्रकाश में आया है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु दबिश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद सरवार आलम पुत्र स्वर्गीय यकूब निवासी कसाईवाड़ा हुमायूंपुर उत्तरी शहीदाबाद थाना गोरखनाथ तथा फिरोज आलम पुत्र स्वर्गीय अली असगर निवासी चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ शामिल है। इनके पास से पुलिस ने एक फर्जी पास, कंप्यूटर उपकरण, एक मॉनिटर, एक प्रिंटर, एक माउस, एक कीबोर्ड, एक CPU, मॉनिटर पावर केबल बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। इसमें ये था कि तहसील सदर के द्वारा हमारे द्वारा जो DM महोदय ने 8 वस्तुओं के प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी थी, तो उसके संदर्भ में हमारे पास ई पास आ रहे थे और ई पास को हम अप्रूव कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। तो लगभग तक 42,000 आवेदन आए, जिसमें से 14,000 को हमने अप्रूव किया, बाकी को रिजेक्ट किया। हर दिन हम लगभग 5-6,000 आवेदन हमारे पास आ रहे थे। तो हमने केवल उन लोगों को अप्रूव किया जो अनुमन्य थे, लेकिन हमने देखा कि बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिसने हमारे पास को स्कैन करके और फर्जी तरीके से ऐसे लोगों को पास दिए जो अनुमन्य नहीं थे। तो ऐसे में हमें संज्ञान में आया, तिवारीपुर थाने पे भी आया, कोतवाली थाने में भी आया और कल गोरखनाथ थाने पे भी आया कि उन लोगों ने सामान्य जो CSC होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपने पास बनवा लिए थे फर्जी तरीके से। तो उन पर हमने आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और धोखाधड़ी के लिए FIR चलने के आदेश दिए थे, जो आज किए गए हैं। तो हम लोगों की कई समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी हम बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो ऐसे पास इसको लेके घूम रहे हैं जो फर्जी तरीके से हैं, तो उन पर हम आपदा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसको पास मिल गया है तो वो अथराइज्ड है, प्रशासन जब भी चाहे उसके पास को निरस्त कर सकता है अगर वो इन शर्तों का, जो शर्तें दी गई हैं, उनका पालन नहीं करता है। तो सर इसके आगे भी क्या कार्रवाई की है? इसके आगे हमने अब चूंकि 4-5 लोगों को हमने पकड़ लिया है, इस तरीके से हमने टीम गठित कर दी है जो ये चेक करेगी बार कोड स्कैनर से कि जो पास जारी किया है वो वास्तव में सही है नहीं। तो बार कोड सबको हमने एक पास पे बार कोड दे रहे हैं, तो बार कोड स्कैनर से हम ये चेक कर रहे हैं हर मतलब अचानक रूप से जाते हुए बिल्कुल रैंडम तरीके से चेक कर रहे हैं। तो जो सही पाया जा रहा है उसी को हम अलाउ कर रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है उसी को अलाउ कर रहे हैं। कई सारे पास हमने ऐसे भी रिजेक्ट किए हैं जो उनको पास अनुमन्य है लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जा रही थी, तो हम तुरंत मौके पर ही पास को रिजेक्ट कर दे रहे हैं।